Future indefinite tense, grammar in composition, exercise number 2, class 9. Solution of unsolved exercise. Bismillahirrahmanirrahim. I am Munazzan Aman again with my fellows and friends. At first we'll share structure of this tense. And believe it that this is the easiest tense. सबसे आसान tense है future indefinite tense. इसका structure अपने mind में रखिए. Subject प्लस विल और शैल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और रेस्ट ऑफ द सेंटेंस. अब ये सेंटेंस जो आपके सामने है, एक्सरसाइज पे आने से पहले थोड़ा सा हम शेयर करें. ही विल गो टू स्कूल, इसमें ही सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट यानी काम करने वाला. उसके बाद ऑक्सिलरी विल यूज़ हुई, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब गो एंड देन रेस्ट ऑफ द सेंटेंस ही विल गो टू स्कूल. सो पिछले वीडियो में हमने शेयर किया था कि आई और वी के साथ शैल लगाएंगे और बाकी पर्सनल प्रोनाउंस के साथ विल. लेकिन इट डजेंट मीन कि आई और वी के साथ विल यूज़ नहीं हो सकता. वह किन केसेस में होता है और किन कंडीशंस में होता है ये हम किसी और वीडियो में शेयर करेंगे. अभी हम बुक पे आते हैं. फर्स्ट सेंटेंस, हम तुम्हारा इंतज़ार करेंगे. और इस वीडियो में मैंने पिक्चर्स भी ऐड किए हैं ताकि हमारा इंटरेस्ट वीडियो में कायम रहे. सो वी शैल वेट फॉर यू, हम तुम्हारा इंतज़ार करेंगे. वी शैल वेट फॉर यू, सबसे पहले वी सब्जेक्ट, फिर ऑक्सिलरी शैल, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब वेट. और जो फर्स्ट फॉर्म है इसको मैंने रेड कलर में इंडिकेट किया है ताकि हमें समझने में आसानी हो. वी शैल वेट फॉर यू. सिर्फ चंद लड़के इम्तहान देंगे, इम्तहान देंगे, टेक एग्जामिनेशन. और चंद लड़के फ्यू बॉयज़, Only a few boys will take examination. Only a few boys will take examination. और पिक्चर में देखिए कुछ ही लड़के नज़र आ रहे हैं, बाकी लड़कियाँ ही प्रोमिनेंट हैं वहाँ पर. सो नेक्स्ट सेंटेंस, हमारी बहादुर फौज दुश्मन के किले पर कब्ज़ा कर लेगी. सबसे पहले अपने माइंड में वोकेबलरी लाए कीजिए और फिर स्ट्रक्चर, और स्ट्रक्चर के मुताबिक फिर वर्ड्स की सीक्वेंस और सेंटेंस ऑटोमेटिकली फॉर्म हो जाता है. हमारी आवर बहादुर फौज, ब्रेव आर्मी, दुश्मन के किले पर कब्ज़ा कर लेगी. कब्ज़ा कैप्चर, और दुश्मन एनिमी, किला फोर्ट. आवर ब्रेव आर्मी विल कैप्चर द एनिमी फोर्ट. हमारी बहादुर फौज दुश्मन के किले पर कब्ज़ा कर लेगी. लेगी, गा, गे, सारा फ्यूचर इंडेफिनिट है. सो ये टीम मैच हार जाएगी. This team will lose the match. Lose, L-O-S-E, lose. हार जाएगी. This team will lose the match. और lose देखिए, L-O-O-S-E, lose बिल्कुल नहीं लिखना. L-O-O-S-E, lose का मतलब है ढीला, not tightly fixed. और L-O-S-E, lose, हार जाना, खो देना, महरूम होना, be deprived of. So this team will lose the match. ये team match हार जाएगी. अमीर गरीबों की मदद करेगा. अमीर, यस, रिच, मदद करना, हेल्प, और गरीब, पुअर. अब स्ट्रक्चर के मुताबिक इन वर्ड्स की सीक्वेंस दे लेंगे. सबसे पहले काम करने वाला, द रिच विल हेल्प द पुअर, द रिच विल हेल्प द पुअर. फिर ऑक्सिलरी, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, और देन ऑब्जेक्ट या रेस्ट ऑफ द सेंटेंस. नेक्स्ट सेंटेंस, उस्ताद शागिर्दों की रहनुमाई करेंगे. द टीचर्स विल गाइड देयर प्यूपल्स, The teachers will guide their pupils. Pupils, students, शागिर्द. और रहनुमाई करना, guide. उस्ताद, teachers. The teachers will guide their pupils. तुम्हारी सहेली तुम्हारे लिए परेशान होगी. परेशान होना, worry. परेशान, worry. और तुम्हारी सहेली, your friend. Your friend will worry for you. Your friends will worry for you. Friend देखिए कितनी परेशान है. सो नौकर बाज़ार से ताज़ा अंडे खरीदेगा. ख़रीदना, बाय. ताज़ा अंडे, फ्रेश एग्स. नौकर, सर्वेंट. द सर्वेंट विल बाय फ्रेश एग्स फ्रॉम बाज़ार. द सर्वेंट विल बाय फ्रेश एग्स फ्रॉम बाज़ार. मेरा भाई मुझे तोहफा देगा. माई ब्रदर विल गिव मी गिफ्ट. माई ब्रदर विल गिव मी गिफ्ट. मेरा भाई, माई ब्रदर, और देगा, गिव. और गिफ्ट, तोहफा. लड़कियां स्वेटर बुनेंगी. बुनने को कहते हैं निट. लड़कियां, द गर्ल्स, और स्वेटर्स, स्वेटर. सिर्फ अब इसको सीक्वेंस देनी है. सबसे पहले सब्जेक्ट, काम करने वाला, द गर्ल्स.
फिर ऑक्सिलरी विल, द गर्ल्स विल, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म निट, द गर्ल्स विल निट स्वेटर्स, फिर ऑब्जेक्ट, उसका बाप उसके लिए नया मोटरसाइकिल खरीदेगा, सबसे पहले वोकैबुलरी माइंड में लानी है, उसका बाप हिज फादर, और खरीदेगा बाय, क्या खरीदेगा, न्यू मोटरसाइकिल, किसके लिए, फॉर हिम, हिज फादर विल बाय अ न्यू मोटरसाइकिल फॉर हिम, हिज फादर विल बाय अ न्यू मोटरसाइकिल फॉर हिम। चीन हमेशा पाकिस्तान का साथ देगा, चाइना विल ऑलवेज स्टैंड बाय पाकिस्तान, चाइना विल ऑलवेज स्टैंड बाय पाकिस्तान, स्टैंड बाय हमने पिछली वीडियो में भी शेयर किया था, साथ देना, चाइना विल ऑलवेज स्टैंड बाय पाकिस्तान, थैंक यू चाइना, हम पाकिस्तान से मोहब्बत करेंगे, वी शैल लव पाकिस्तान, मोहब्बत लव, दैट इज़ वेरी कॉमन वर्ड, वी शैल लव पाकिस्तान, हम पाकिस्तान से मोहब्बत करेंगे, वी के साथ देखिए शैल यूज़ हुई ऑक्सिलरी, ही विल प्रूव हिमसेल्फ लॉयल टू हिज कंट्री, वो वतन का वफादार साबित होगा, वो वतन का वफादार साबित होगा, वतन कंट्री, और वफादार लॉयल साबित होगा, प्रूव हिमसेल्फ, वो अपने आप को साबित करेगा कि वो वतन का वफादार है, ही विल प्रूव हिमसेल्फ लॉयल टू हिज कंट्री, ही विल प्रूव हिमसेल्फ लॉयल टू हिज कंट्री। देखिए फर्स्ट फॉर्म यूज़ कर रहे हैं हम विल के बाद, हर पाकिस्तानी पाकिस्तान के लिए जान कुर्बान करेगा, एवरी पाकिस्तानी विल ले डाउन हिज लाइफ फॉर पाकिस्तान, एवरी पाकिस्तानी, हर पाकिस्तानी, विल लगाएंगे ऑक्सिलरी, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, कुर्बान करना ले डाउन और जान लाइफ, एवरी पाकिस्तानी विल ले डाउन हिज लाइफ फॉर पाकिस्तान, एवरी पाकिस्तानी विल ले डाउन हिज लाइफ फॉर पाकिस्तान, सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच, कीप लर्निंग, कीप एक्सेलिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।